क्या आप मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी ओपिनियन। आप क्षेत्र में जाइए, हमारे कम से कम विधानसभा अगर पूरे जिले में नहीं जा पाते हैं तो कम से कम मेरी विधानसभा में जाके और प्रति गांव एक आदमी से सर्वे करिए। खाली विकास दुबे के बारे में व्यक्तिगत है, विकास दुबे का एक काम देखिए, विकास दुबे इस क्षेत्र के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड हैं। हमारे पास सारे हैं, मैं स्वयं की खेती कराता हूँ, स्वयं का मेरा व्यापार है, स्वयं का मेरा स्टेट कॉर्पोरेशन का काम है, मेरा आर्थिक भी है। आज तक मैंने कोई आर्थिक ऐसा नहीं कि मैंने कोई आर्थिक अपराध कराया हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हूँ। आरोप लगा देने से ही कोई अपराधी उड़ान नहीं हो जाता है। विकास दुबे के वर्चस्व को कम करने के लिए ये सारे मुकदमे फर्जी लगाए गए, जो कि अदालत में सारे खत्म हो चुके हैं। दो चार मुकदमे अभी ट्रायल पर हैं जिनका मैं फेस कर रहा हूं, और ट्रायल होने के बाद जो भी अदालत निर्णय करेगा उसको मान्य करूंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, छात्र जीवन से लेके अब तक आपके ऊपर कितने मुकदमे लगे गए, कितने में आप भरी हुए, कितने अभी आपके ऊपर चल रहे? मेरे हिसाब से 45 मुकदमे आज तक मेरे ऊपर खिलाफ कायम किए गए। किस तरह के? गैंगस्टर के हैं, गुंडा एक्ट के हैं, पुलिस के। अभी अभी आपने बताया सहारनपुर में साहब दिखाया कि साहब वो गैंगस्टर में वहाँ से वांछित थे, तो चूरन नशे का चूरन खा रहे थे। आप जो आदमी अपने पूरी लाइफ में जिसने चाय ना पी हो, 22 साल से चाय ना पीता हो, उस आदमी को नशे का चूरन खाते हुए बता रहे हैं। आप सोच समझ सकते हैं कैसे मुकदमे पुलिस लगाती है, ये पुलिस स्वयं जानती है। तो आपकी जो छात्र राजनीति थी उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया क्या? आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे? नहीं, जब तक मैंने छात्र जीवन रहा तब तक मैं राजनीति में नहीं रहा। छात्र जीवन के बाद मैं राजनीति में आया। छात्र जीवन मेरा बिल्कुल एकदम संयमित था। मैं छात्र जीवन, मैंने जैसे एक छात्र का जीवन होता है वैसे मेरा संयमित जीवन था। ये बताएं, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि छात्र राजनीति में आप चुनाव लड़वाने का काम करते थे। यस, क्या है वो? नहीं, मैं चुनाव लड़वाता था, ये बात सही है। चुनाव में अपने कैंडिडेट लगाता था, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करता था, चुनाव जिताता था। ये आप मान लीजिए कि हो सकता है ये गॉड गिफ्टेड भी रहा हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे राजनीति से छात्र जीवन में ही कुछ मेरे अंदर जर्म्स आ गए थे कि नहीं है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना है अपने यार मित्र को, या ये आदमी अच्छा है, इस काबिल है कि इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसको महामंत्री बनाया जाए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप इसी राजनीति से इतने प्रेरित हुए कि आपने संतोष शुक्ला को पीछे थाने में इतने सारे लोगों की भीड़ में मारा जो आप पे आरोप लगे, और आप हाईलाइट होना चाहते थे इसीलिए आपने ये सब कारनामे किए। ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। संतोष शुक्ला की ना तो मैंने हत्या की और ना कभी मैंने उनका हत्या का ख्याल लाया मेरे जीवन में, और मैं भी उनसे जिन लोगों ने हत्या की है उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। किन्हीं लोगों ने भी की हो उनकी हत्या, चूंकि राजनीति में वर्चस्व में इतनी है, लेकिन संतोष शुक्ला की छवि चूंकि हमारे यहाँ अच्छी नहीं थी। संतोष शुक्ला के विकास दुबे के कोई दुश्मन नहीं थे। संतोष शुक्ला ने जिन 50 लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ जबरिया जेल में बंद कराया फर्जी मुकदमे लगवा के, हो सकता है उन्हीं में से कोई उनका इंटेंशन रहा हो। और इवन यहाँ तक मालूम है कि संतोष शुक्ला के परिवार में खुद संतोष शुक्ला ने 4 मर्डर करा रखे हैं अपने परिवार में। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी बता रहा हूँ। संतोष शुक्ला ने अपने 2 भाइयों और अपने चाचा का मर्डर भी करा रखा है अपने गाँव में, और इनके गाँव के लोग भी इनके विरोधी हैं। वो हमारी विधानसभा के रहने वाले नहीं थे लेकिन इनके गाँव के, और आज भी उसमें से एक आदमी फरार है, इनकी हत्या के उद्देश्य से फरार हुआ था, रमाकांत शुक्ला, जो इनके परिवार का ही है, ग्राम प्रधान था इनके गाँव का, और वो इनकी हत्या के उद्देश्य से कसम खा के ही फरार हुआ था। हो सकता है उसने भी मौके का फायदा उठाया हो। एक चीज और भी है कि जब उनकी हत्या हो गई, आप इतने चर्चित हुए, पूरे देश में आपका नाम हुआ, तो उसके बाद आप वसूली का कारोबार करने लगे, आप लोगों को जो है। आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, सरकारी तौर पर या लिखित तौर पर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, और विकास दुबे को ऐसी जरूरत भी नहीं है। विकास दुबे को ऊपर वाले ने जो दे रखा है उसमें विकास दुबे संतुष्ट हैं।